यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स टीम की नशा तस्करों पर कार्रवाई का दौर जारी है। इसी कड़ी में एंटी नारकोटिक्स टीम ने 150 ग्राम हीरोइन के साथ दो नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तस्करों के कब्जे से बरामद हीरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। टीम इंचार्ज का कहना है कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा ताकि पूछताछ में खुलासा हो सके कि इनके तार कहां कहां जुड़े हैं। कल ये दो हमें काफ़ी लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि ये जगाधरी के पोस्ट इलाके में कुछ लोग हैं जो नशा बेच रहे हैं, नशे का कारोबार कर रहे हैं। तो कल हमने टीम का गठन करके और इनको पकड़ा है, दो लड़कों को। इनसे 150 ग्राम मात्रा में हमें हीरोइन बरामद हुई है। सर कहाँ रहते थे, क्या कुछ बरामद? ये सेक्टर 17 में ये किराए के मकान में रह रहे थे और वहीं से ये सप्लाई कर रहे थे वहाँ पे पोस्ट इलाके। कहाँ से कहाँ सप्लाई करते थे? ये हमारे जो शहर का जो पोस्ट इलाका है, जैसे माल टाउन है, सेक्टर 17 है, हुड्डा है, तो वहाँ पोस्ट इलाके में जो इनके नवयुवक थे उन पर इनकी सप्लाई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के साथ सटा हरियाणा का यमुनानगर जिला काफी समय से नशे के मामले में काफी मशहूर रहा है, लेकिन जिला पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स सेल टीम का गठन कर लगातार नशे पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। टीम इंचार्ज का कहना है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सेक्टर 17 में दो युवक नशा लेकर मुस्तफाबाद की तरफ जाएंगे, जिसके तहत जाल बिछाकर उन्होंने दोनों तस्करों को नशे के साथ दबोच लिया। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब के स्टूडियो टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।